आदित्य L1 की लॉन्चिंग शुरू होने वाली है। मिशन आदित्य L1, भारत अब सूरज की तरफ चला है, चांद के बाद अब सूरज की बारी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 17 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है। मिशन मून के बाद अब सूर्य की तरफ इसरो ने अपने कदम बढ़ाए हैं, भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं। सूर्य की स्टडी का यह मिशन है इसरो का, बेहद महत्वपूर्ण यह मिशन माना जा रहा है। सूर्य के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस मिशन के जरिए इसरो को पता चलेंगी। सूर्य की और बारीकी से अध्ययन हो सकेगा इस मिशन के जरिए। आदित्य L1 इसे नाम दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसरो सेंटर से। करीब करीब 16 मिनट बाद लॉन्च होगा आदित्य L1। PSLV XL रॉकेट के जरिए आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लगभग 15 से 16 मिनट बाद लॉन्च होगा आदित्य L1, जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। कई मायनों में बेहद खास इसरो का यह मिशन, सूर्य के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करेगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट से सूर्य की स्टडी की जाएगी। लगभग 4 महीने में इस स्थान पर पहुंचेगा आदित्य L1। चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेज रहा है। इसरो का यह पहला मिशन है सूर्य की स्टडी करने का, आदित्य L1 इसे नाम दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। PSLV C57 रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया जा रहा है और ये स्केप्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के करीब 4 महीने मतलब 109 दिन बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात सामने आई है और जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को स्पेस में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे हो चुके हैं, लॉन्चिंग की रिहर्सल भी पूरी हो चुकी है। और कुछ ही मिनट बाद अब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा। और L1 पॉइंट तक इसे पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा क्योंकि दूरी काफी ज्यादा। और करीब करीब 125 दिन लगेंगे और 3 जनवरी 2024 को ये उस पॉइंट पर पहुंचेगा।
चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा अर्चना के लिए तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर हैं। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है ये। लैंग्रेज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है लैंग्रेज पॉइंट 1। लैंग्रेज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे हैं। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मदद मिल पाएगी। आदित्य L1 में है 7 पेलोड।